मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू एट पटेल कोचिंग फ्री एजुकेशन। टुडे आई एम टेकिंग क्लास 9th NCERT। एक्सरसाइज नंबर इज 2.4। एक्सरसाइज का नंबर 2.4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। हमको इसको फैक्टराइज करना है, दो क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसके बाद इसी वीडियो में आपको और दो क्वेश्चन करके बताऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है 12x² - 7x + 1। यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो, अब देखिए इसमें कोफिशियंट कौन कौन से हैं। ए इक्वल टू 12 है, बी इक्वल टू क्या है -7, और सी इक्वल टू क्या है 1। ये ध्यान देना है कि ये जो ए इंटू सी है, ए इंटू सी क्या होगा, 12 × 1 = 12। उसका जो वैल्यू है वो बी को ऐसा बांटेंगे, बी को ऐसा स्प्लिट करेंगे कि उसको मल्टीप्लाई करें तो अपने को -7 मिलना चाहिए। तो b क्या है, -7 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -4 + -3। तो यहाँ पे देखो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो -4 - 3 जो कि -7 के इक्वल है, लेकिन -4 × -3 करेंगे बच्चों तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग आप समझ गए कि -7 को हमको -4 और -3 के टर्म्स में लिखना है, क्योंकि -4 और -3 को अगर जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो आपको -7 मिलता है, लेकिन मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को +12 मिलता है। तो हम लोग इसको लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 12x² - 4x - 3x + 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों में कामन क्या है, 4x कामन है, क्योंकि 12x² में अगर मैं 4x को बाहर निकाल दूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 4x बाहर निकल गया, तो यहाँ पे 12x² में मैं 4x को डिवाइड कर देता हूँ, तो 4 × 3 = 12। यहाँ पे x डालूंगा, x² हो जाएगा, ये कट गया, तो 3x बचेगा। यहाँ पे मैं 3x लिख दूंगा, और यहाँ पे 4x में पूरा 4x बाहर निकल जाएगा तो -1। अब यहाँ पे भी मेरे को 3x - 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस पहले है, तो मैं क्या करूँगा, -1 को बाहर निकाल दूंगा, तो अंदर में बच जाएगा 3x - 1। अब ये देखिए दोनों कॉमन हो गया, 3x - 1 3x - 1, ये बाहर निकल जाएगा, तो 3x - 1 और 4x - 1। तो बच्चों ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, किसका, 12x² - 7x + 1 का, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं ध्यान से बच्चों। हम इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन है 2x² + 7x + 3। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है, ध्यान से देखेंगे आप, तो ये जो इसमें a इक्वल टू क्या है 2 है, b इक्वल टू क्या है 7 है, और c इक्वल टू क्या है 3 है। तो रूल क्या बोलता है कि a इंटू सी कितना हो जाएगा, इसमें देखिएगा 2 × 3 = 6। तो हम लोगों को b को ऐसा स्प्लिट करना है 7 को कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, लेकिन सम करें जोड़ें तो 7 आ जाए। तो b इक्वल टू क्या है आपका 7 है, तो 7 को स्प्लिट कर देंगे हम लोग 6 + 1 में। तो 6 + 1 में स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 6 × 1 = 6, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है, लेकिन सम करने पे 6 + 1 करने पे ये भी आ जा रहा है। तो चलो सॉल्व करते हैं, तो 2x² + 6x + x + 3। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे 2x कॉमन है, 2x क्यों कॉमन है, क्योंकि 2 × 3 = 6 होता है, तो यहाँ पे 2x कॉमन निकल जाएगा, और 2x² में अगर 2x को कॉमन निकालेंगे बच्चों तो क्या बचेगा, हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 2x को, तो 2x 1 = 2x, एक से मल्टीप्लाई करने का तब ये कटेगा तो 0 आएगा, तो यहाँ पे 1 से बच जाएगा बच्चों, प्लस 6x से अगर 2x को कॉमन निकालते हैं हम लोग तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये 3 बच जाएगा बच्चों, 3 बच गया। यहाँ पे देखिए x + 3 पहले से है, तो यहाँ पे खाली 1 लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पे x + 3 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पे x + 3 और x + 3 दोनों कॉमन है, तो x + 3 को हम लोग इधर लिख देंगे, और ये 2x + 1 को हम लोग बच्चों इधर लिख देंगे। तो ये आपका आंसर क्या होगा इसका फैक्टराइजेशन का, x + 3 और 2x + 1। प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिएगा 6x² + 5x - 6, तो इसमें a इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, b इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, और c इक्वल टू क्या जाएगा -6। तो बच्चों रूल वही है कि a इंटू सिक्स क्या होगा बच्चों, इसमें 6 × -6 ये हो जाएगा -36, और अपने पास b क्या है बच्चों, b है 5, तो अपने को 36 को 5 को ऐसा तोड़ना है बच्चों कि मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए,
और अगर हम लोग उसको जोड़ें तो प्लस 5 आ जाए, तो कैसा होगा? तो इसको इजी तरीका है, देखिएगा, अपन क्या करेंगे, 36 को फैक्टराइज कर देंगे। तो 2 × 2 = 16, इसको और फैक्टराइज करते जाएंगे तो ये आ गया। अब इसके अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहीं पे आंसर छुपा हुआ है कि 36 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3, इसको और लिख सकते हैं 4 × 9। अब देखिए 4 और 9, तो अगर मैं यहाँ पे +9x ले लूँ और -4x ले लूँ, तो मतलब इसको मैं ऐसा ले लूँ 9 और -4, तो इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 9 × -4 = −36। लेकिन अगर इसको मैं सम करूँगा तो मेरे बच्चों तुम देखोगे यहाँ पे 5 आ जाएगा, 9 − 4 = 5। तो अपने को इसका मिड टर्म स्प्लिट का टर्म मिल गया, क्या होगा वो 9 और −4। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 6x² + 9x − 4x − 6। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, 6x² और 9x में, ये दोनों में 3x कॉमन है, तो इसको 3x कॉमन करने के लिए हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो 3 × 2 = 2x से डिवाइड कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 × 2 = 6x² आ गया। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6x कॉमन लेंगे तो फर्स्ट में 2x आ जाएगा, प्लस इसमें क्या आएगा, तो इसमें आ जाएगा बच्चों 9x को 6x से डिवाइड करेंगे तो 3x आएगा ना, 3x, ठीक, 3x से करेंगे इसको तो 3 × 3 = 9 आ जाएगा, तो 9x आ जाएगा, ये कट गया तो +3 आ जाएगा। माइनस इसमें देखेंगे तो -2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 2x + 3 बच जाएगा इसमें भी। अब इनमें देखिएगा, ये 2x + 3 और 2x + 3 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे ये 2x + 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3x − 2, ये इसका बच्चों आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं, इसको हम चेक भी कर सकते हैं बच्चों, हम लोग चेक कर सकते हैं इसको कि इसका फैक्टराइजेशन है कि नहीं। कैसे करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x + 3 × 3x − 2 × 2x + 3। अब ये 3x को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पहला इससे, तो 2x × 3x + 3 × 3x − 2 × 2x + 3 × −2। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तो 3x × 2x से क्या हो जाएगा, 6x² और ये 3 × 3x 9x − 4x − 6 है ना, ये हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 6x² + 5x − 6। देखो बच्चों ये क्या है, हमारा क्वेश्चन है, मतलब हम लोग सही बनाए हैं, तो ऐसा करके हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो बच्चों क्लास 9th में फैक्टराइजेशन में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्वेश्चन को सीधा सॉल्व करूँगा, इसके पहले के मेरे वीडियो को देखेंगे आप, तो उसमें 3 क्वेश्चन को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कैसे करते हैं। तो रूल वही है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा 3 × −4 = −12। ये −x को हम लोग ऐसा करें कि जोड़ें तो −x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो −12 आ जाए, तो कैसे होगा, −4 और +3 कर देंगे इसको। कैसे बता रहा हूँ आपको बच्चों, ध्यान से देखो, 3x² − 4x + 3x − 4। तो देखिए इसको अगर अपन सम करेंगे तो −x आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये −12 आ जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या है बच्चों, इसमें कॉमन खाली x है, ये हो जाएगा 3x − 4, और इसमें −+1 ले लेंगे तो ऑलरेडी इसमें 3x − 4 है, और इन दोनों में 3x − 4 कॉमन है, 3x − 4 और x + 1, ये इसका आपका सॉल्यूशन हो गया। तो बच्चों इस क्वेश्चन को और इसके पुराने क्वेश्चन को आप बार बार देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।